गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैजिक टी के बारे में। मैजिक टी को और डिफरेंट नाम से आप बोल सकते हो, ईएच प्लेन टी भी बोला जा सकता है इसे, या हाइब्रिड टी जंक्शन भी इसको कहा जा सकता है। बेसिकली ये ई और एच प्लेन टी जंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देखिए, आपको चार पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, पोर्ट 1, 2, 3 एंड 4। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आपके मेन वेव गाइड्स हैं। पोर्ट 3 आपका एच प्लेन के जैसे काम कर रहा है, इस आर्म को आप बोल रहे हो एच आर्म। एंड पोर्ट 4 है वो आपका है ई आर्म, ई प्लेन टी जंक्शन जैसे ये काम करेगा। फर्स्ट, ये मैजिक टी को यूज़ हमने क्यों किया? क्योंकि अभी तक जितने भी टी जंक्शंस हमने पढ़े हैं उनमें 3 पोर्ट्स थे, और तीनों पोर्ट्स आपके परफेक्टली मैच्ड होने चाहिए उनकी करेक्ट वर्किंग के लिए। बट जनरली हमें डिफ़िकल्टी होती है टू ऑप्टेन परफेक्ट मैचिंग बिटवीन 3 पोर्ट टी जंक्शंस। सो हम किस पे स्विच किया हम लोगों ने? 4 पोर्ट हाइब्रिड टी नेटवर्क, जिसका ही नाम क्या है? मैजिक टी। बेसिकली ये क्या कर रहा है? ई प्लेन टी और एच प्लेन टी की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर रहा है। अब यहाँ पे हमें कितने पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 पोर्ट्स हैं, तो हमारी इस पर स्कैटरिंग मैट्रिक्स कैसी बनेगी? 4x4, ये हमने एक बेसिक स्कैटरिंग मैट्रिक्स बना दी। अब चूंकि हमें पता है कि ये पोर्ट 3 एच प्लेन टी जंक्शन जैसे काम कर रहा है और पोर्ट 4 ई प्लेन टी जंक्शन जैसे काम कर रहा है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं और कुछ पैरामीटर्स हमारे यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। ये आगे हम वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली ये पोर्ट 3 और पोर्ट 4 ई प्लेन या एच प्लेन के जैसे काम कर भी रहे हैं या नहीं। ओके, फर्स्ट हम लगाते हैं इसमें एच प्लेन टी जंक्शन। एच प्लेन टी जंक्शन आपका क्या है? पोर्ट 3 पे। तो बिकॉज ऑफ एच प्लेन टी सेक्शन, एच प्लेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर यहाँ पे आपने कोई इनपुट दिया तो वो 1 और 2 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उनमें फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 डिग्री। तो 3 पे आपने कोई इनपुट दिया तो वो 2 और 1 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपका। सेकंड रिजल्ट हम लगाते हैं ई प्लेन टी जंक्शन की प्रॉपर्टी। अगर पोर्ट 4 पे आपने कोई इनपुट दिया तो 1 और 2 पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट आउट ऑफ फेज। तो 4 से कोई इनपुट दिया तो 2 और 1 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज को दिखाने का तरीका क्या? आपने एक यहाँ पे माइनस का सिग्नेचर लगा दिया। पोर्ट 3 और पोर्ट 4, ई प्लेन और एच प्लेन के जंक्शन आपस में एक दूसरे से आइसोलेट है। मीन्स अगर आपने कोई इनपुट एच प्लेन पे दिया है तो वो ई प्लेन पे नहीं पहुँचेगा, और अगर आपने कोई इनपुट ई प्लेन पे दिया है तो वो एच प्लेन पे नहीं पहुँचेगा। तो मीन्स वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेट है। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो हमें पता है क्या होती है? SIJ = SJI। इसके अकॉर्डिंग हमने सारे पैरामीटर्स लिख लिए। पोर्ट 3 और पोर्ट 4 परफेक्टली मैच्ड है आपके जंक्शन से, इसलिए S33 = S44 = 0। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक रिजल्ट निकाले हैं, इनको हम हमारे स्कैटरिंग मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। हमारी फाइनल स्कैटरिंग मैट्रिक्स ये प्राप्त हुई हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? यूनिटरी प्रॉपर्टी। यूनिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैट्रिक्स को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये हमने वहाँ पे, ये एस हो गया, ये एस कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट, जो हमेशा हम करवाते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो फर्स्ट आप रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करवाइए, देन रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 4 कॉलम 4। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से S13 और ऐसे ही यहाँ से S14 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी आई? 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करवाइए। S12 यहाँ पे है, S12 यहाँ पे है, S13, 13, 14, 14, 11। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा? S11 किसके बराबर है? S22 के। S11 बराबर है S22 के। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास निकली है, इनको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। S11 आपने एज इट इज़ रखा, 1, 2 की वैल्यू अभी नहीं निकाली तो उसको भी वैसे ही रहने दीजिए। 1, 3, 1, 4 की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे। 1/2, 1/2 ऐड होके कितना हो जाएगा? 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? S11 और 12 दोनों ही पैरामीटर्स आपके 0 है, और अगर 1, 1 0 है तो 2, 2 भी 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अगर आपको 0 मिल रही है तो इसका रिजल्ट क्या है? पोर्ट 1 और पोर्ट 2 परफेक्टली मैच्ड है किसके साथ? जंक्शन के साथ। तो इसमें से यहाँ आपको एक रिजल्ट नज़र आ रहा है, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 आपने पहले ही परफेक्टली मैच्ड मान रखे थे,
तो अगर दो पोर्ट्स आपके पहले से ही परफेक्टली मैच्ड हैं तो रिमेनिंग पोर्ट्स भी आपके ऑटोमेटिकली मैच्ड हो जाएंगे जंक्शन के साथ. ओके, तो ये सारा रिजल्ट्स हमने यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स में पुट कर दिए. ये हो गई हमारी स्कैटरिंग मैट्रिक्स, किसकी? मैजिक टी की. ओके, अब ये हमें बेसिकली हम लिखते कैसे? अगर आउटपुट मैट्रिक्स अपन को चाहिए, उसको किसी वेरिएबल बी से आपने डिनोट कर दिया, ये है आपके इनपुट मैट्रिक्स, बीच में आ जाएगी आपकी स्कैटरिंग मैट्रिक्स. ये रिजल्ट हमें पता है, बी इक्वल्स टू एस ए मैट्रिक्स फॉर्म में. जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई वो हमने यहाँ पे लिखी. ये आपकी है आउटपुट मैट्रिक्स, तो इसके कंपोनेंट्स अपन ने लिख दिए B1, B2, B3, B4. ऐसे ही इनपुट मैट्रिक्स में हमने कंपोनेंट्स मान लिए A1, A2, A3, A4. यहाँ हम देखेंगे कि जो हम बोल रहे थे कि पोर्ट 3 आपका H प्लेन के जैसे काम कर रहा था या पोर्ट 4 आपका E प्लेन के जैसे काम कर रहा था, तो वो कैसे काम कर रहा था? सबसे पहले आप इसके लिए B1 के लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखिए. B1 के लिए इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या होगा, कैसे मिलेगी आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे. सॉरी, B1 की इक्वेशन चाहिए तो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे. ये दोनों 0 0 से मल्टीप्लाई होकर A1 और A2 कॉम्पोनेंट्स 0 हो जाएंगे, आपको सिर्फ A3 और A4 मिलेंगे. तो B1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2 A3 प्लस A4. सिमिलरली B2 के लिए आप इक्वेशन निकालिए, ऐसे ही B3 और B4 के लिए. आपके पास चारों आउटपुट के एलिमेंट्स हैं. अब कुछ केसेस हम इस पे लगाते हैं. पोर्ट 3 पे हमने कौन सा पोर्ट जंक्शन माना था? एच प्लेन जंक्शन. तो माना कि हमने A3 नॉट इक्वल्स टू 0. A3 नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि हम थर्ड पोर्ट पर कुछ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड पोर्ट जो कि हमारा एच प्लेन के जंक्शन है, और बाकी के सारे इनपुट्स आपके भी 0 है. इस कंडीशन में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? अगर A1, A2, A3 0 है, A1, A2, A3 0 है, तो जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, A4 0 है, ये यहाँ पे होगा A4. तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा A3/√2. ऐसे ही B2 से आपको क्या मिल जाएगा? A3/√2. ये दोनों ही 0 है, तो B3 इक्वल्स टू B4 इक्वल्स टू 0. अब आप साफ साफ दिख रहा है कि B1 और B2 पे आपको सेम आउटपुट मिल रहा है और दोनों का साइन सेम है, मींस इनमें फेज डिफरेंस 0 डिग्री है. ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? एच प्लेन टी जंक्शन की. तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि जो थर्ड पोर्ट हम बोल रहे थे वो एच प्लेन जंक्शन के जैसे ही काम कर रहा है. सिमिलरली आप सेम केस लगाइए कि हमने फोर्थ पोर्ट पे कोई इनपुट अप्लाई किया और बाकी के सारे इनपुट पोर्ट्स पे इनपुट आपका 0 है. तो B1 और B2 की वैल्यू आई, दोनों की वैल्यू सेम है, पर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट है. B3 और B4 पे अभी भी आपका आउटपुट 0 ही प्राप्त हो रहा है. ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? ई प्लेन टी जंक्शन की. लास्ट हम लेते हैं कि अगर फर्स्ट पोर्ट जो है उस पर हमने कोई इनपुट अप्लाई किया है, बाकी के पोर्ट्स पे कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया, B1 और B2 के वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे 0 मिलेगी. B3 और B4 की वैल्यू अब आपको मिली है A1/√2. मतलब अगर आपने कोई इनपुट A1 पे पोर्ट 1 पे दिया है तो 1 और 2 पे आपको कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, सॉरी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, मींस पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आपस में आइसोलेटेड हैं. ये कुछ रिजल्ट्स हो गए. आगे हमें देखना होता है कि मैजिक टी का हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है. बेसिकली 3 टाइप के इसके एप्लीकेशन हैं, मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस, मैजिक टी एज डुप्लेक्सर, मैजिक टी एज मिक्सर. फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस. 4 पोर्ट्स हैं. फर्स्ट पोर्ट पे हमने Z1 क्या है आपका? एक स्टैंडर्ड वेरिएबल नोन इम्पिडेंस. Z2 पे, पोर्ट 2 पे आपने लगाया है अननोन इम्पिडेंस. पोर्ट 3 पे है आपका माइक्रोवेव सोर्स जो ट्रांसमीटर के जैसे कार्य करेगा, और पोर्ट 4 पे है आपका नल डिटेक्टर. ओके, अब माइक्रोवेव सोर्स है पोर्ट 3, यहाँ से मान लिया इसका इनपुट है आपने, इसका इनपुट आपने मान लिया A3. अभी हमें पता है कि अगर पोर्ट 3 पे तुमने कोई इनपुट दिया तो वो पोर्ट 1 और 2 पे इक्वली डिवाइड होगा मैजिक टी की प्रॉपर्टी से. ये हमने लिख दिया A3/√2. अब दोनों इम्पिडेंस जो आपने यहाँ पे Z1 और Z2 यूज़ करो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस नहीं है. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होती तो यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, बट ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस नहीं है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन कोफिशियंट से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. Z1 जो फर्स्ट आपकी इम्पिडेंस है उसका रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आपने मान लिया ρ1, ऐसे ही इसका रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आपने मान लिया ρ2. ये सिंपली आपके इस कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई होकर आपके लास्ट में पहुँच कहाँ पर रहे? नल डिटेक्टर पे. सिमिलरली पोर्ट 4 आपका पहले कैसे काम कर रहा था? ई प्लेन के जैसे. ई प्लेन में क्या होता है? दोनों पे इक्वल
मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंस क्या रहेगा उनके बीच में, माइनस का. तो जो आपका यहाँ से आपको जो इनपुट मिला है इक्वली दोनों में डिवाइड कर दिया, 1/√2, 1/√2, ये प्लस है ये माइनस. नल डिटेक्टर, तो जो लास्ट में आपके पास टोटल वेव जो पहुँच रही है नल डिटेक्टर पर, वो क्या मिल रहा है आपको, ये और ये. इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, 1/√2, 1/√2 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/2. A3 आप दोनों में कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आपका ब्रैकेट में ρ1 - ρ2. नल डिटेक्टर है तो परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो. इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं. इसके ज़ीरो के इक्वल पुट करने पर ρ1 - ρ2 = 0 प्राप्त होगा आपको. जो आगे मिलेगा आपको ρ1 = ρ2. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, ZL - Z0 / ZL + Z0. लोड इम्पिडेंस माइनस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस. तो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 मान ली. फर्स्ट आपके Z1 का लोड इम्पिडेंस कितना है, Z1. ऐसे ही सेकंड वाले का कितना है, Z2. इसको जब आप सॉल्व करोगे लास्ट में आपके पास एक रिजल्ट आएगा, Z1 = Z2. ये इम्पिडेंस है. इम्पिडेंस को आप फुल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, R + jX, रेजिस्टेंस प्लस इसका रिएक्टेंस. ऐसे ही ये हो गया R1 + jX1 = R2 + jX2. अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब R1 R2 के इक्वल हो और X1 X2 के इक्वल हो. तो अननोन इम्पिडेंस मैजिक टी के द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बाय एडजस्टिंग नोन इम्पिडेंस. जो आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल इम्पिडेंस दिया हुआ है, क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल इम्पिडेंस को आप तब तक एडजस्ट करते जाएंगे जब तक कि आपको ब्रिज आपका बैलेंस नहीं हो जाएगा, नल डिटेक्टर पर आपकी वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए. इस प्रकार हम अननोन इम्पिडेंस की वैल्यू ज्ञात करते हैं, किसकी सहायता से, मैजिक टी की सहायता से. मैजिक टी आपका डुप्लेक्सर के जैसे भी कार्य कर सकते हैं. डुप्लेक्सर कैसे काम क्या होता है, बेसिकली डुप्लेक्सर वो है जिस जो आपका ट्रांसमीटर के जैसे भी काम करता है, सिंगल डिवाइस जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के जैसे काम करेगी, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं, port 1 पे हमने एक माइक्रोवेव सोर्स लगाया है, port 2 पे एक ट्रांसमीटर है, port 3 मैच्ड लोड है, और port 4 आपका एक एंटीना है. सबसे पहले ट्रांसमीटर से आपने इनपुट ट्रांसमिट हुआ आपका, जो कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा 3 और 4 में. अब यहाँ पे देखिए, इस बार हमने एक मैच्ड लोड लिया है. अगर यहाँ मैच्ड लोड नहीं होता तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जनरेट होते, बट ये मैच्ड लोड है तो आपका कोई रिफ्लेक्शन जनरेट नहीं होगा. जो भी इनपुट आया है वो सारा कंज्यूम हो गया आपके port 3 में. जो port 4 पे आपका इनपुट पहुँचा है एंटीना पे, एंटीना क्या करेगा, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 1 और 2 में. तो आप देख रहे हैं कि सिंगल डिवाइस आपकी ये पहले ट्रांसमिट कर रही है, देन यही आपकी रिसीवर का भी जैसे काम कर रहा है. तो ये हो गया आपका एक डुप्लेक्सर का फंक्शन. लास्ट है मैजिक टी एज मिक्सर. यहाँ पे देखिए, एक लोकल ऑसिलेटर है, यहाँ पे एक एंटीना है, यहाँ मैच्ड लोड है, ये है आपका मिक्सर. लोकल ऑसिलेटर कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया है F0. इक्वली डिवाइड होगा दोनों में, एक गया 1, दूसरा इनपुट गया आपका 2 में. ये मैच्ड लोड है तो इससे कोई आपका रिफ्लेक्शन जनरेट नहीं होगा. सिमिलरली एंटीना से जो इनपुट आया उसको हमने नाम दे दिया इनपुट फ्रिक्वेंसी FIN, और दूसरा आपका जो आउटपुट जा रहा है, दूसरा जो आउटपुट आपका जा रहा है मैच्ड लोड में, वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होंगे. फाइनली मिक्सर पे आपको कौन कौन से इनपुट मिल रहे हैं, FIN और F0. इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी. ये FIN - F0 या ये F0 - FIN भी हो सकता है. तो इस प्रकार से आपका ये मिक्सर के जैसे काम करता है. थैंक यू.